पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लहरों पर खिलाड़ी साहसिक खेल खेल रहे हैं। चंपावत के टनकपुर में खिलाड़ी एंगलिंग एवं रिवर राफ्टिंग प्रतियोगिता में अपना दम दिखा रहे हैं। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर चंपावत जनपद के टनकपुर में बहने वाली शारदा नदी पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय एंगलिंग एवं रिवर राफ्टिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता में पूरे देश से एंकलिंग के 19 प्रतिभागियों एवं राफ्टिंग प्रतियोगिता हेतु 15 टीमों ने भाग लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर चंपावत जनपद को आदर्श जनपद बनाने की परिकल्पना को साकार करने एवं साहसिक खेलों को बढ़ावा देने हेतु जनपद के सीमांत क्षेत्र में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिससे चंपावत में पर्यटन को बढ़ावा मिले और जनपद विश्व पर्यटन में अपना स्थान स्थापित कर सके। इस राफ्टिंग प्रतियोगिता में जहां गढ़वाल मंडल विकास निगम, SDRF, BSF, उत्तराखंड पुलिस, रियल एडवेंचर सीमा सुरक्षा बल की टीमों ने भाग लिया, तो वहीं हिमाचल प्रदेश सिक्किम राफ्टिंग स्नो ट्राउट एडवेंचर टनकपुर की टीमों के साथ AIPF नेपाल की टीम ने भी हिस्सा लिया। हमने एक यहाँ पर नेशनल राफ्टिंग चैंपियनशिप करी। अब काली रिवर पे ये पहली बार राफ्टिंग चैंपियनशिप भी हो रही है और थोड़ा इस क्षेत्र को प्रमोट करने का विचार है। काली रिवर हमारा इतना अच्छा रिसोर्स है, आप देख रहे हैं कितनी अच्छी रिवर है पीछे जो आप देख रहे हैं। सो उसके साथ साथ हमने ये सोचा कि एंगलिंग को भी यहाँ पर बढ़ावा दिया जाए। हमारे यहाँ पंचेश्वर बड़ा अच्छा डेस्टिनेशन है और इसको टाइगर ऑफ द वाटर कहते हैं। तो इसके लिए जो है एंगलर आप देख रहे हैं कि दूर दूर से हमने बुलाए हैं और बड़े खुशी से ये लोग यहाँ पर आए हैं। गवर्नमेंट का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा जो इतना अच्छा पहल करी है, क्योंकि क्या एंगलिंग क्या है, एक तरह से कंजर्वेशन भी कर रहे हो, रिक्रिएशनल गेम है ये आपका एंगलिंग। इसके थ्रू आप मछली जो जिनकी पॉपुलेशन कम हो रही है इसको बढ़ा सकते हैं हम, और ये हर गवर्नमेंट को करना चाहिए। उत्तराखंड गवर्नमेंट का मतलब मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ इस बारे में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।